तो मैं क्यों ना उस नौजवान को अब दावत सुखन दे दूं जिसने अपनी शायरी से और अपने तरंगम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर गोरखपुर का नाम रोशन किया है और जहां जहां भी वो जाता है वहां वहां के लोग कायल होते हैं कि गोरखपुर की सरजमीन उर्दू जबान व अदब के लिए बड़ी जरखेज है और गोरखपुर के शोरा किसी भी मुकाबले में कहीं दूसरे जिला के दूसरे इलाके के शोरा से किसी तौर पर भी कम नहीं है। वो नौजवान शायर वसीम मजहर है। मैं नौजवान शायर वसीम मजहर से गुजारिश करूंगा कि वो आए और ये दरमियान का वक्त है, यही मुशायरा के शबाब का वक्त होता है। मैं वसीम मजहर से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने मखसूस अंदाज में अपने कलाम से हम सबको नवाजें। السلام عليكم محترم ڈاکٹر ارشد بستوی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سیدھے سیدھے بالکل تازہ صدر صاحب کی اجازت چاہتے ہوئے اس کا مطلب بھی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سنیے گا بالکل جی ارشاد मतलब मुलाजा वो जिससे मेरे दिल को शिकायत है आज भी वो जिससे मेरे दिल को शिकायत है आज भी वो जिससे मेरे दिल को मुलाजा फरमाए वो जिससे मेरे दिल को शिकायत है आज भी उस बे से मुझको मोहब्बत है आज भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ताजा कलाम था, मैं डर रहा था पढ़ने से, लेकिन मतलब से एहसास हो गया कि आपकी समाते बेदार है इंशाल्लाह ये गजल कामयाब। वो जिससे मेरे दिल को शिकायत है आज भी उस बेवफा से मुझको मोहब्बत है आज भी उस बेवफा से मुझको जो मेरे दोस्त है बाप पीछे तशरीफ रखते हैं चाहता हूं कि उनको भी शमूलियत हो जाए। पहला शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मुलाजा फरमाएगा शाकिर भाई अतुल्लाह साहब समाअत फरमाए कि तरके तार तरके तालुकात को मुद्दत हुई मगर तरके तालुकात को मुद्दत हुई मगर दिल में मेरे मकीन वो मूरत है आज भी दिल में मेरे मकीन वो मूरत है आज भी उस बेवफा से मुझको और ये शेर मेरा जी चाह रहा है कि साहिब एजाज डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब के हवाले से आप तक पहुंचा दूं। मुलाजा इरशाद वो जिससे मेरे दिल को माना हुजूम गर्दिशे अय्याम है मगर
अय्याम है मगर एक तेरे साथ से मुझे राहत है आज भी एक तेरे साथ से मुझे बहुत शुक्रिया बहुत मोहब्बत एक तेरे साथ से मुझे राहत है आज भी उस बेवफा से मुझको मोहब्बत है आज भी। और ये शेर भी बिलखुसूस आपकी बेदाग समातों तक पहुंचा रहा हूं। समी भाई आपकी खुसूसी तवज्जो चाहते हैं। पेश करता हूं मुलाजा फरमाए कि मेरी जबान में मेरी दुआ में असर नहीं मेरी जबान में मेरी दुआ में असर नहीं बस इसलिए जो कल थी वो हालत है आज भी बस शुक्रिया मेरी जबान में मेरी दुआ में असर नहीं बस इसलिए जो कल थी वो हालत है आज भी उस बे वफा से मुझको। और मोहतरम डॉक्टर जैद कैमूर साहब तशरीफ रखते हैं उनके हवाले से आप तक ये शेर पहुंचा रहा हूं। बिल्कुल मुलाजा फरमाए कि तुझको तेरे गुरूर ने बर्बाद कर दिया तुझको तेरे गुरूर ने बर्बाद कर दिया दुनिया में हम फकीरों की इज्जत है आज भी बहुत अच्छा शेर कर दिया भाई वसीम वाह तुझको तेरे गुरूर ने बर्बाद कर दिया दुनिया में हम फकीरों की इज्जत है आज भी दुनिया में हम फकीरों और शेर आखिर भी आप तक पहुंचा रहा मुलाजा फरमाए कि मुद्दत हुई शराब से तौबा किए हुए मुद्दत हुई शराब से तौबा किए हुए लेकिन तुम्हारी आंखों से निस्बत है आज भी बहुत शुक्रिया मैं हाजिर करता हूँ मुद्दत हुई शराब से तौबा किए हुए लेकिन तुम्हारी आंखों से निस्बत है आज भी लेकिन तुम्हारी आंखों से उस बेवफा से मुझको और मौका भी
इन्हीं बेदार समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं। बहुत मोहब्बतों से नवाजा आपने, बहुत मैं डर रहा था क्योंकि बिल्कुल ताजा गाजा कर रहा था। मुलाजा फरमाए, मक्ता पेश करता हूं, बताओ रे खास। उस बेवफा से मुझको मोहब्बत है आज भी, उस बेवफा से मुझको कामिल साहब अहले हरम तो लाख सताए गए वसीम, अहले हरम तो लाख सताए गए वसीम, लेकिन जहां में उनकी इमामत है आज भी, लेकिन जहां में उनकी इमामत है आज भी, उस बेवफा से मुझको मोहब्बत है आज भी। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं पारसा नहीं हूं तो मैं खार भी नहीं, मैं पारसा नहीं हूं तो मैं खार भी नहीं, नजरों से तुम पिला दो तो इनकार भी नहीं, नजरों से तुम पिला दो तो इनकार भी नहीं। अजीजम वसीम मजहर सल्लमहू जिस अंदाज में शेर पढ़ रहे थे वो एक तरह का नशा है, और ऐसा नशा है जो कभी टूटता नहीं है। ये वो कभी कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने निजामत करते हुए खुमार बारा बंकवी से कहा था कि आपका तखल्लुस गलत है, आपका तखल्लुस खुमार नहीं सुरूर होना चाहिए था। सुरूर वो है जो चढ़ता है और खुमार वो है जो उतरता है। तो ये शायरी भी एक सुरूर है, और ये चढ़ जाती है तो फिर उतरने का नाम नहीं लेती।